हेलो एवरीवन, टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज मेज, दैट इज़ ए फूड क्रॉप. बोटैनिकल नेम ऑफ मेज इज जिया मेज. वर्नेकुलर नेम या हम कह सकते हैं कॉमन नेम इज मक्का या भुट्टा. हम बेसिकली मक्का या भुट्टा से जानते हैं मेज को. फैमिली इसकी भी सेम है जैसी वीट और राइस की थी, पोएसी फैमिली है. जो मेज प्लांट है वो मोनोशियस है. मोनोशियस का मतलब दोनों मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट. मेल इन्फ्लोरेसेंस को हम मेज में टेसल कहते हैं, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को कोब या ईयर कहते हैं. साइड में आपको डायग्राम दिख रहा है जो बेसिक मॉर्फोलॉजी दिखा रहा है मेज प्लांट की. आपको नीचे रूट्स दिख रही हैं, बेस रूट दिख रही है, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे. टिलर्स दिख रहे हैं, लीफ शीथ, लीफ ब्लेड दिख रहा है. आपको उससे ऊपर ईयर दिख रहा है जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है. उसके बाद आपको ऊपर दिख रहा है टेसल जो कि मेल इन्फ्लोरेसेंस है. कॉर्न सीड आपको पता है मक्का का सीड कैसा दिखता है, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है. तो बेसिक मॉर्फोलॉजी से आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम मक्का के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ वी टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजी. मेज इज ए फास्ट ग्रोइंग प्लांट. इट इज इरेक्ट सिंगल स्टेम सकुलेंट एनुअल ग्रास बियरिंग वेरी फ्यू टिलर्स. बहुत कम टिलर्स प्रेजेंट होते हैं. द इंटरनोड्स आर शॉर्ट एंड फेयरली थिक एट द बेस एंड बिकम लॉन्गर हायर अप द स्टेम. जो बेस में जो इंटरनोड्स हैं वो शॉर्ट होते हैं और लॉन्गर साइज के होते हैं अपर साइड में, ठीक है. द इंटरनोड एट द अपर पोर्शन बियर मेल इन्फ्लोरेसेंस एंड द ईयर बियरिंग इंटरनोड इज लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव टू अलाउ प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ ईयर हेड. जिन इंटरनोड पे हमारी फीमेल इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है वो लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव हो जाते हैं ताकि प्रॉपर पोजिशनिंग हो सके ईयर की, दैट इज फीमेल इन्फ्लोरेसेंस. पिक्चर में आपको सेम पहले प्लांट दिखाया था वैसा ही प्लांट है जिसमें आपको रूट, स्टॉक, लीफ दिख रही हैं. फीमेल इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है, टेसल इंटरनोड दिख रहा है, फ्लैग लीफ दिख रहा है. फ्लैग लीफ इज द लीफ प्रेजेंट सराउंडिंग द इन्फ्लोरेसेंस. ये हमने पहले भी पढ़ा है राइस में. एंड अपर पोर्शन में आपको मेल इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है. नाउ वी टॉक अबाउट रूट ऑफ मेज प्लांट. नॉर्मली मेज प्लांट हैव थ्री टाइप ऑफ रूट्स, सेमिनल रूट, एडवेंटिशियस रूट और ब्रेस या प्रॉप रूट. सेमिनल रूट जो है वो अराइज फ्रॉम रेडिकल एंड परसिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड. एडवेंटिशियस रूट डेवलप फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ स्टेम बिलो द ग्राउंड लेवल. जो ग्राउंड लेवल के बिलो जो लोअर नोड प्रेजेंट है वहाँ से अराइज होती हैं, इफेक्टिव हैं, एक्टिव रूट ऑफ प्लांट बनाती हैं. ब्रेस और प्रोप रूट जो हैं प्रोड्यूस बाई लोअर टू नोड अपर में जो प्रेजेंट होते हैं उनसे. द रूट ग्रो वेरी रैपिडली एंड इक्वली आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड. जो ब्रेस रूट है वो सोइल के अबोव जो टू लोअर नोड्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से अराइज होते हैं, ठीक है. सुटेबल सोइल अलाउ कर दी है कि जो रूट है कितने डेप्थ तक जाएगी, कितने सेंटीमीटर तक जाएगी. बेटर सोइल, बेटर ग्रोथ ऑफ रूट. द पिक्चर इज शोइंग सेमिनल रूट्स, क्राउन रूट्स, प्राइमरी रूट्स, ब्रेस रूट. फर्स्ट पिक्चर में आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में दिख रहा है ब्रेस रूट कैसी दिखती हैं लोअर टू नोड्स में, सेमिनल रूट्स कहाँ हैं, क्राउन रूट्स कहाँ हैं. सेकेंड पिक्चर में आपको रूट दिखाई हुई है कि प्लांट की रूट कैसी दिखती है, ब्रेस रूट ओरिजिनली में कैसी दिखती हैं, क्राउन रूट कैसी दिखती हैं. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा रूट्स. लीव्स की बात करें तो लीव्स हैव फोर पार्ट्स, लीव शीथ, लीव लेमिना, मेम्ब्रेनस लिग्यूल एंड लीव ब्लेड. ये पार्ट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, वीट में एंड राइस में. आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं. लीफ ब्लेड इज लीनियर लेंसुलेट. नीचे पिक्चर में आपको दिख रही है, वेवी है. जो लेंथ है इसकी वो 50-70 सेंटीमीटर है एंड द विड्थ इज 8-19 सेंटीमीटर. प्रोडेस्ट पार्ट जो है वो मिडल में है. हेयर्स आर प्रेजेंट अलोंग द अपर मार्जिन. साइड में दो पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, उसमें आपको हेयर्स दिख रहे होंगे. लीफ की अरेंजमेंट दिख रही है अल्टरनेट अपोजिट, एक राइट साइड में, नेक्स्ट नोड पे एक लेफ्ट साइड में. द पिक्चर इज शोइंग लीफ वेन, मिडरीब, लीफ ब्लेड, लीफ कॉलर एंड लीफ शीथ. साइड में एक पिक्चर है वो भी आपको लीफ ब्लेड, लिग्यूल, ऑरिकल एंड लीफ शेप दिखा रही है. अगर यहाँ फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कंसल्ट द प्रीवियस वीडियोस. नाउ वी टॉक अबाउट द मेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेज. मेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेज इज कॉल्ड टेसल. इट ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजिशन ऑन मेन स्टेम. टर्मिनल पोजिशन ऑक्यूपाई करता है मेन स्टेम पे. इट इज कॉम्पैक्ट एंड मच ब्रांच पेडिकल. द ब्रांचेज बींग यूजली स्पायरली अरेंज अराउंड द मेन एक्सिस. जो ब्रांचेज हैं वो स्पायरली अरेंज होती हैं मेन एक्सिस के अराउंड.
पेयर्ड स्पाइकलेट्स आर ऑक्यूपाइड इन सेवरल रोज ऑन द मेन एक्सिस। जो स्पाइकलेट्स हैं वो पेयर्ड में अरेंज होते हैं। स्पाइकलेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, वन बोर्न ऑन शॉर्ट पेडिसल एंड अदर इज सेसाइल। स्पाइकलेट जो हैं वो सिमिलर हैं स्ट्रक्चर में, वन हैव शॉर्ट पेडिसल एंड अदर इज सेसाइल, पेडिसल एब्सेंट है अदर में। ईच स्पाइकलेट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ग्लूम्स, जो ईच स्पाइकलेट है वो कंसिस्ट है पेयर ऑफ ग्लूम से, दैट इन्वेस्ट इन टू टू फ्लोरेट, ईच ऑफ विच इज इनक्लोज बाय अ लेमा एंड पीलिया एंड हैज टू लोडिक्यूल्स, थ्री स्टेमन एंड ए रूडिमेंट्री पिस्टिल। जो ईच फ्लोरेट है उसमें क्या क्या होता है, जो ईच फ्लोरेट है इनक्लोज बाय लेमा पीलिया एंड हैव टू लोडिक्यूल्स, थ्री स्टेमन एंड ए रूडिमेंट्री पिस्टिल। द पिक्चर इज शोइंग फोर डायग्राम्स। ए में हमें कंप्लीट मॉर्फोलॉजी दिख रही है, इसमें हाइलाइटेड पोर्शन हमने टेसल लिया है मेल इन्फ्लोरेसेंस को। बी में हमने उसको हाइलाइटेड करके देखा है, स्पायरली अरेंज है मेल इन्फ्लोरेसेंस। अब हमने उसकी जो मेन एक्सिस और लेटरल ब्रांचेस हमें दिख रही हैं, मेन एक्सिस का हमने एक स्मॉल पोर्शन सी पिक्चर में देखा है, जहाँ आपको दो स्पाइकलेट्स दिख रहे हैं, ग्लूम्स दिख रहे हैं। अब हमने डी पिक्चर में एक स्पाइकलेट लिया है, जिसमें आपको दो फ्लोरेट दिख रहे हैं, लेमा दिख रहे हैं, स्टेमन दिख रहे हैं, ग्लूम दिख रहे हैं, पेलिया दिख रहा है। तो ये कंप्लीट आपको इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है मेल का। मेल इन्फ्लोरेसेंस इसका टेसल, टेसल की मेन ब्रांचेज हैं, लेटरल ब्रांचेज हैं, स्पायरली अरेंज है। अब जब हम उसको हाइलाइटेड देखते हैं तो पेयर में स्पाइकलेट्स प्रेजेंट हैं। अब हम एक स्पाइकलेट को देख रहे हैं तो दो फ्लोरेट प्रेजेंट हैं, पेलिया, लेमा, स्टेमन, पिस्टिल प्रेजेंट है फ्लोर में, ये रूडिमेंट्री पिस्टल इज प्रेजेंट। ये आपको मेल इन्फ्लोरेसेंस क्लियरली इस पिक्चर से समझ आ गया होगा। नाउ वी टॉक अबाउट द फीमेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेज। द फीमेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेज इज कॉल्ड कोब और ईयर। इट इज ऑल्सो बॉर्न टर्मिनली बट ऑन मॉडिफाइड लेटरल ब्रांचेस। ये भी टर्मिनली बॉर्न होती है, बट किस पे, मॉडिफाइड जो लेटरल ब्रांचेज हैं वहाँ पे, ठीक है। जो ईयर बियरिंग ब्रांच है वो मच लाइक मेन शूट है, बट इट्स नोड्स, जो इसके नोड्स हैं आर मच कॉन्ट्रैक्टेड एंड लार्ज ओवरलैपिंग लीव शीट अराइज होती है फ्रॉम ईच नोड, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करती है, उसको हम हस्क बोलते हैं, ओके। द पिस्टिलेट इन्फ्लोरेसेंस और ईयर इट्सेल्फ इज ए स्पाइक, ये इटसेल्फ स्पाइक है विथ थिकेंड एक्सिस ऑन विच बॉर्न पेयर्ड ऑफ स्पाइकलेट इन सेवरल लॉन्गिट्यूडनल रोज। पेयर ऑफ स्पाइकलेट जो है इस पे बॉर्न होते हैं इन सेवरल लॉन्गिट्यूडनल रोज में, द नंबर ऑफ विच में वेरी, नंबर वेरी कर सकता है फ्रॉम 2 to 36, बट यूजुअल नंबर 16, 18, 28 हो सकता है। बेसिकली 2 to 36 नंबर होता है, वो वेरी कर सकता है। ईच पेयर्ड स्पाइकलेट इज एसोसिएटेड विद ए सॉकेट एंड क्यूप्यूल। द क्यूप्यूल ऑफ वन रो अल्टरनेट विद द अदर रो। द स्पाइकलेट्स आर सेसाइल एंड आइडेंटिकल। ईच स्पाइकलेट इज टू फ्लैट। साइड में आपको फीमेल इन्फ्लोरेसेंस की पिक्चर दिखाई दे रही है। ईच स्पाइकलेट इज टू फ्लैट हैविंग ए पेयर ऑफ स्मॉल मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुल। नाउ वी टॉक अबाउट द लोअर फ्लावर। द लोअर फ्लावर इज नॉन फंक्शनल, रिप्रेजेंटेड बाय लेमा एंड पेलिया। द अपर फ्लावर इज फर्टाइल एंड कंटेन ए मेम्ब्रेनस लेमा पेलिया, कलेक्टिवली कॉल्ड शाफ, CHAFF। तो द अपर वन कंटेन्स मेम्ब्रेनस लेमा पेलिया, रूडिमेंट्री स्टेमन एंड नोब शेप्ड ओवरी सराउंडेड बाय ए लॉन्ग थ्रेड लाइक स्टाइल, हमको जिसको हम कहेंगे द सिल्क, विच ग्रो रैपिडली इमर्ज आउट ऑफ द टॉप ऑफ हस्क, जो कि बाहर आ जाता है हस्क से, जो सिल्की हेयरी लाइक पोर्शन दिखता है वो स्टाइल है। द सिल्क फ्रॉम द बेस ऑफ कोब अपीयर फर्स्ट एंड दोज फ्रॉम द टिप कम आउट लास्ट। जो बेस से आते हैं वो पहले अपीयर होते हैं, जो टिप से आते हैं वो लास्ट में आते हैं। द स्टाइल्स आर जनरली रिसेप्टिव ऑल अलोंग देयर लेंथ। जो स्टाइल्स हैं वो रिसेप्टिव होते हैं पूरी अपनी लेंथ पे, एंड एट द टिप आर यूजुअली क्लेफ्ट इनटू टू शॉर्ट अनइक्वल ब्रांचेस द स्टिग्मा। और टिप पे वो डिवाइडेड हो जाते हैं दो शॉर्ट अनइक्वल ब्रांचेस में, जो कि स्टिग्मा है। नीचे पिक्चर में आपको डायग्रामेटिक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिख रहा है ईयर का फर्स्ट में, जिसमें आपको सेसाइल स्पैकलेट्स दिख रहे हैं, हस्क दिख रहा है, बर्ड्स दिख रहे हैं, मेन स्टेम दिख रहा है, सिल्क दिख रहा है। जो बी डायग्राम है उसमें आपको पेयर ऑफ फीमेल स्पैकलेट्स दिख रहे हैं। द लोअर वन इज ए परफेक्ट फ्लावर एंड द अपर इज ए स्टाइल फ्लावर।
लोअर ग्लूम लेमा पहलिया दिख रहे हैं आपको, स्टाइल ओवरी दिख रहा है, एंड द सी पिक्चर जो अपर में है इज शोइंग सेसाइल एंड पेडिसलेट स्पाइकलेट ऑफ मेल इन्फ्लोसेंस. ये मेल इन्फ्लोसेंस को दिखा रहा है. द अपर वन इज पेडिसलेट स्पाइकलेट एंड अदर इज सेसाइल. यहाँ पे आपको लोअर ग्लूम ऑफ सेसाइल स्पाइकलेट दिख रहे हैं, अपर ग्लूम दिख रहा है, लेमा पेलिया दिख रहा है. तो ये डायग्रामेटिक व्यू है जो अभी तक हमने बात करी उसकी. इस पिक्चर में आपको फीमेल इन्फ्लोसेंस दिख रहा है जो मैच्योर हो चुका है, आपको पेडंकल दिख रहा है, फ्रूट कैरियोप्सिस दिख रहा है, कर्नल दिख रहा है, हस्क लीफ जो है वो दिख रही है, और स्टाइल जो सिल्की शेप में है वो दिख रहे हैं. तो ये मैच्योर जो फीमेल इन्फ्लोसेंस हैं वो है. नाउ वी टॉक अबाउट द कॉर्न और फ्रूट. ए कॉर्न कर्नल इज ए कैरियोप्सिस, ए ड्राई वन सीडेड इंडिसेंट फ्रूट. ठीक है. वेयर द पेरिकार्प इज फ्यूज विद द सीड कोट फॉर्मिंग ए टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग. जो पेरिकार्प है वो फ्यूज्ड है सीड कोट के साथ, सीड कोट के साथ पेरिकार्प फ्यूज्ड है, फॉर्म कर रही है टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग. ठीक है. अनलाइक अदर सीरियल्स द रेकिस ऑफ मेज डज नॉट डिसआर्टिकुलेट एट मेच्योरिटी. बाकी सीरियल्स की तरह जो रेकिस है मेज की वो बाइफर्केट नहीं होती है एट मेच्योरिटी, देयरफॉर हैज़ नो मैकेनिज्म फॉर सीड डिस्पर्सल. तो जो हमारा मेज है वहाँ पे सीड डिस्पर्सल के लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है. द मैच्योर कर्नल इज मेड अप ऑफ फोर मेजर पार्ट्स, द टिप कैप, द पेरिकार्प, सीड कोट. द पेरिकार्प एंड सीड कोट टुगेदर नोन एज हल. तो दो पार्ट हो गए, टिप कैप एंड द पेरिकार्प सीड कोट. थर्ड इज एंडोस्पर्म एंड फोर्थ इज एम्ब्रियो और जर्म. द रिलेटिव पोर्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ टिपिकल मेज ऑन ए ड्राई वेट बेसिस इज एंडोस्पर्म अबाउट 82%, एम्ब्रियो अबाउट 12%, हल अबाउट 5%, टिप कैप अबाउट 1%. साइड में आपको मैच्योर कॉर्न की पिक्चर दिखाई दे रही है. ये जो पिक्चर है ये फ्रूट की है या कह सकते हैं कॉर्न की है. इसमें हम इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं. सबसे पहले हम टिप कैप की बात करते हैं. सबसे नीचे पोर्शन में आपको टिप कैप दिख रहा है. टिप कैप कंसिस्ट ऑफ द रेमिनेंट ऑफ टिश्यू वेयर द कर्नल इज जॉइंट टू द कोप. जो टिप कैप है वो जो हमारा फ्रूट कर्नल, फ्रूट कह लो कर्नल कह लो, उसको कोप से जॉइंट करने में हेल्प करता है. कोप जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस का मिडल पोर्शन जो है वो कोप है, वहाँ से जॉइन करने में हेल्प करता है. अपर पोर्शन में आपको हल दिख रहा है. हल इज कंपोज ऑफ सेवरल लेयर ऑफ पेरिकार्प सेल्स. बीच में एक डिप्रेशन भी दिख रहा है आपको. द इंटिगुमेंट्स और सीड कोट आर रिप्रेजेंटेड बाय नॉन सेलुलर रेमिनेंट्स. जो सीड कोट है वो रिप्रेजेंट की जाती है नॉन सेलुलर रेमिनेंट से. ए सिल्क स्कार इज प्रेजेंट ऑन द पेरिकार्प एट द एपिकल एंड ऑफ द ग्रेन. ए स्कार दिख रहा है आपको एट द एपिकल एंड ऑफ ग्रेन, जो डिप्रेशन है वो. ठीक है. अब एंडोस्पर्म की बात करते हैं. द एंडोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ द मेन बल्क ऑफ कर्नल. मेन पार्ट जो है वो एंडोस्पर्म से बना हुआ है. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म जस्ट अंडरनीथ द न्यूसेलर एपिडर्मिस इज एल्यूरल लेयर. तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हो जाएगी, जस्ट अंडरनीथ द न्यूसेलर एपिडर्मिस इज एल्यूरल लेयर. सबसे नीचे हाईलाइटेड पोर्शन में आपको एल्यूरल लेयर दिख रही है. वेयर द मोस्ट ऑफ द स्टोर्ड प्रोटीन आर डिपॉजिटेड. यहाँ पे क्या होता है, जो मोस्टली जो प्रोटीन है वो स्टोर होता है. द ग्रेटर पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेल पैक्ड विद स्टार्च ग्रेन. बाकी जो मोस्टली पार्ट है उसमें क्या होता है, दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है मैंने हाईलाइटेड पोर्शन में, एंडोस्पर्म सेल विद स्टार्च ग्रेन्यूल्स. मोस्टली पार्ट में बाकी स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. मेज एंडोस्पर्म इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप का है आपको ऊपर दिख रहा है, फ्लोरी एंडोस्पर्म या हॉर्नी एंडोस्पर्म. हाईलाइटेड जो डार्क पोर्शन में एंडोस्पर्म लिखा हुआ है उसके नीचे आपको दो टाइप का दिख रहा है, फ्लोरी एंडोस्पर्म या हॉर्नी एंडोस्पर्म. इसके बारे में बात करते हैं. तो जो मेज एंडोस्पर्म है इज ऑफ टू टाइप, हार्ड फ्लिंटी एंडोस्पर्म पहला. ठीक है. कंटेन ए हायर पोर्शन ऑफ प्रोटीन, ये जो है हायर पोर्शन कंटेन करता है प्रोटीन का. अदर जो है वो स्टार्ची टाइप है, जो हमने फ्लोरी टाइप कहा है. ठीक है. अदर इज स्टार्ची टाइप विच इज़ वाइट एंड मोर फ्लोरी इन अपीयरेंस. वाइट वाला जो है वो क्या है, स्टार्ची टाइप है या और क्या है, फ्लोरी है, वाइट है अपीयरेंस में एंड एर सॉफ्टर इन टेक्सचर. ठीक है.
द प्रोपोर्शन एंड डिपोजिशन ऑफ दीज टू काइंड ऑफ एंडोस्पर्म इन कर्नल वेरीज विद वेराइटी. ये जो डिपोजिशन और काइंड है ये वेरी करता है वेराइटीज के साथ. साइड में मैंने एक और पिक्चर भी लगाई है जो सिर्फ अपर अपर दिखा रहा है कि जर्म कहाँ है, सॉफ्ट स्टार्च कहाँ है, पेरिकार्प कहाँ है. ये सिर्फ बेसिकली वैसे ही आप लोगों को दिखाने के लिए लगाई है, पर आपको साइड वाली पिक्चर में जो बेसिक पार्ट दिख रहे हैं सारे वो देखने हैं. अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो की. जो सबसे नीचे आपको एम्ब्रियो जर्म दिख रहा है उसकी बात करेंगे. एम्ब्रियो ऑक्यूपाइड ए स्मॉल एरिया ऑफ द कर्नल, स्मॉल एरिया कवर करता है, लाइंग एट द बेस, बेस पे लाई करता है, ठीक है. इट इज कंसिस्ट ऑफ प्लीम्यूल रेडिकल एंड स्क्यूटुलम. ये आपको दिख रहा है नीचे लिखा हुआ है प्लीम्यूल स्क्यूटुलम एंड रेडिकल. स्क्यूटुलम इज कोलियोप्टाइल भी कह सकते, ना सॉरी, स्क्यूटुलम को कोटलीडन भी कह सकते हैं. द प्लीम्यूल इज एनक्लोज बाई ए शीथ नोन एज कोलियोप्टाइल एंड द रेडिकल इज ऑल्सो इनक्लोज बाई ए शीथ नोन एज कोलोराइजा, ठीक है. तो हम कह सकते हैं प्लीम्यूल एंड रेडिकल आर ईच एनक्लोज बाई ए शीथ नोन एज कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, ठीक है. हम कोटलीडन की बात करते हैं. जो स्क्यूटुलम लिखा हुआ है इज एन ओवर ओवल शेप शील्ड शेप स्ट्रक्चर. ओवल शेप भी हो सकता है, शील्ड शेप स्ट्रक्चर भी हो सकता है. जो एम्ब्रियो है रिच इन फैट अबाउट 6%, मिनरल्स, प्रोटीन एंड शुगर में, ठीक है. द हायर पोर्शन ऑफ फैट इन द मेज कर्नल इन कंपेरिजन विद अदर सीएल मेक इट सुटेबल फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन. इसमें जो है फैट की कंसंट्रेशन बाकी सीरियल्स के कंपेरिजन में ज़्यादा है, इसलिए इसको बेटर मानते हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए. तो आपको जो मेज़ का जो कर्नल है या मेज़ का जो ग्रेन है उसकी कंप्लीट समझ में आ गई होगी पिक्चर. कल्टीवेशन की बात करते हैं तो जो टेम्परेचर रेंज मेज को चाहिए वो 15 to 25 डिग्री सेल्सियस होगा. एनुअल रेनफॉल 50 to 125 सेंटीमीटर. वेल ड्रेन लोम सॉइल और फर्टाइल सॉइल चाहिए. पीएच 6.8, स्लाइटली बेसिक भी हो सकती है. जो क्रॉप है हमारी मेज की वो ससेप्टिबल है सेलिनिटी से एंड वाटर लॉगिंग से. तो ना तो सॉइल ज़्यादा सलाइन हो और ना वाटर लॉगिंग कंडीशन होनी चाहिए एक क्रॉप को बेटर ग्रोथ के लिए. जो सो करने से पहले हमें जो फील्ड को प्लग करना पड़ेगा 4 to 6 टाइम्स, ठीक है. हार्मफुल वीड्स को रिमूव करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स देने होंगे. अलग अलग क्वांटिटी है सोइल के हिसाब से, जितनी रिक्वायरमेंट होती है, 100 kgs ऑफ नाइट्रोजनस, 35 kgs ऑफ पोटाश, 5 to 10 kgs ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स देते हैं. अब उसके बाद जो हमारी मेज क्रॉप है वो खरीफ क्रॉप है, ठीक है. मतलब समर में ग्रो करने वाली क्रॉप है. तो जो इसका सोइंग सीजन होगा वो मिड जून टू अर्ली जुलाई होगा और जो हार्वेस्ट सीजन होगा वो लेट सितंबर टू अर्ली अक्टूबर होगा. हार्वेस्टिंग की बात करें तो ग्रेन जब ड्राई हो जाता है, जब उसमें मॉइस्चर लेस देन 20% रह जाता है, या हम कह सकते हैं जो शीथ होती है अराउंड द कर्व वो ब्राउन हो जाती है, तब मतलब कि जो हमारा ग्रेन है प्रिपेयर है हार्वेस्टिंग के लिए. ग्रेन जो है, जो फ्रूट है, वो हार्ड हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा. अब हमें क्या करना है, जो फीमेल इनफ्लोरेसेंस या कोव है उसको रिमूव करना है प्लांट से बाय हैंड पिकिंग और उसको ओपन सन में ग्राउंड में स्प्रेड कर देना है फॉर परफेक्ट ड्राइंग के लिए. अब जो ड्राई कोब है उसको बीटन करना है विद स्टिक से, ताकि हम ग्रेन्स को क्या कर सकें, सेपरेट कर सकें. उनको स्टोर करना है वेंटिलेटेड बिन्स में, और जहां हम इन बिन्स को स्टोर करेंगे उस एरिया को फ्यूमिगेटेड कर देना है ताकि इंसेक्ट्स ना लगें. नाउ वी टॉक अबाउट द यूजेस. तो जो मेज़ है वो यूज्ड एज ए फूड फॉर ह्यूमन बींग एंड लाइव स्टॉक. जो ग्रेन्स हैं रा ईयर के वी कैन यूज एज रोस्टेड एंड ईटन बाई मैनी पीपल इन मैनी फॉर्म्स. ग्रीन एंड हार्वेस्टेड प्लांट जो है वो यूज एज फोडर. पॉपकॉर्न बना सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स बना सकते हैं, कॉर्न शुगर, कॉर्न ऑयल, कॉर्न स्टार्च जो है वो प्रोडक्ट है ग्रीन के. ग्रेन से हमें ये सब मिलता है. मेज़ का जो ग्रीन है वो यूज होता है प्रिपेयरिंग अल्कोहलिक बिवरेजेज में. और फाइबर्स जो प्लांट से मिलते हैं वो हेल्प करते हैं पेपर मेकिंग और यार्न में. थैंक यू.